मसूरी मॉल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मॉल रोड पर्यटन के लिहाज से काफी अहम है। मॉल रोड पर रेलिंग, स्ट्रीट लाइटों के साथ ही दूसरे काम भी किए जाने हैं। उत्तराखंड में पीसीएस प्री एग्जाम संपन्न हो गया है। प्रदेश के 26 शहरों में 680 केंद्रों पर यह परीक्षा हुई। 318 पदों पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा करवा रहा है। नैनीताल में गुलदार का आतंक जारी है। एक गुलदार होटल की दीवार पर नजर आया। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी में कैद हुई। वन विभाग का कहना है कि ये गुलदार शिकार की फिराक में रिहायशी इलाकों में पहुंचा होगा। खटीमा से टनकपुर को जाने वाले नेशनल हाईवे 125 पर हाथियों का आतंक दिखाई दे रहा है। शिव मंदिर के पास हाथियों का झुंड दिखाई दिया। वीडियो वायरल हो रहा है। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार गृह जनपद मऊ पहुंचे एके शर्मा। जमकर जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। एमएलसी प्रत्याशी अरुणकांत यादव के पक्ष में पंचायत प्रतिनिधियों से बैठक की। अरुणकांत के लिए वोट की अपील की। फिरोजाबाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बढ़ती महंगाई के सवाल पर कहा कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो सरकार ने गरीबों के घर फ्री राशन भी पहुंचाया है। महंगाई पर कैसे काबू पाया जाए इस पर सरकार काम कर रही है। पेपर लीक मामले में आजमगढ़ जेल में बंद बलिया के पत्रकारों से मिलने पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जेल प्रशासन ने बेरंग लौटाया। देश की प्रमुख आईवीएफ सिंटरचेन सीड्स ऑफ इनोसेंस का लखनऊ के पार्क रोड में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर के चेयरमैन डॉक्टर दिनेश अरोड़ा, ग्रुप डायरेक्टर डॉक्टर शशि अरोड़ा समेत तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे। अयोध्या में अब 3 घंटे से अधिक समय तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे लोग। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक पहली पाली में दर्शन, दोपहर 2 बजे से शाम 7:30 बजे तक दूसरी पाली के दर्शन होंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए फैसला हुआ।